तो आप इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुपर 30 के आनंद कुमार सर, कहा जाता है इनको प्यार से, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि छात्र पहली बार इम्तहान ना देने की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि नहीं दो क्योंकि करियर दाव पर लगा हुआ है, और छात्र कह रहे हैं कि करियर ही दाव पर लगा है ना, जीवन दाव पर क्यों लगा दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसमें आप अपने आप को कहां पाते हैं इस आर्ग्यूमेंट में। देखिए, पहले शुरुआत यहां से हुई, अगर निष्पक्ष बात की जाए तो, कि जो भी स्टूडेंट है वो नहीं समझ पा रहे थे कि कोई इम्तहान पूरे जिंदगी को तय नहीं करती। जैसे हम लोग समुद्र के लहरों को गिन कर कैसे बता सकते हैं उसकी गहराई क्या है, तो एक इम्तहान के नंबर पर, एक परीक्षा की नंबर के आधार पर हम किसी का कैरियर तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, कई जगह पर अर्जी दे रहे थे, गुहार लगा रहे थे, तो शायद पता नहीं क्या बात हुई, फिर सरकार तैयार हो गई एग्जामिनेशन लेने के लिए, फिर दो बार डेट का एक्सटेंशन भी हुआ। तो ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ लोग हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे जो एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें खतरा है कि किस तरह से जो बातें सामने आ रही है, बच्चे जाएंगे इस COVID-19 के माहौल में, खतरा तो है ही, अभी भी ट्रेन और कई चीजें सामान्य नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में परीक्षा देना कितना हद तक उचित है, ये प्रश्न चिन्ह जरूर है। नहीं आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो आप बता रहे हैं जो लोग सोचते हैं, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं मैं कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम होने चाहिए या नहीं, जीवन ज्यादा जरूरी या करियर कोरोना काल में। देखिए, जीवन ज्यादा जरूरी है, और जहां तक मेरा मानना है कि हमारा ये रिक्वेस्ट है, कोई हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, न पेरेंट्स को हम कोई गलत ठहरा ले, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश जरूर है गवर्नमेंट से, स्पेशली सरकार से, शिक्षा विभाग से, और साथ साथ पेरेंट्स भी कुछ से, कि अभी थोड़ा धैर्य रखे, अभी जीवन जरूरी है। और ऐसे भी मास्क लगा के कोई बच्चा 3 घंटे तक लगातार कैसे परीक्षा दे सकता है, नॉर्मल वो सांस नहीं ले पाएगा, नॉर्मल वो सोच नहीं पाएगा, और अलग अलग तरह के मास्क है, मान लीजिए कि सेंटर पर एक तरह का मास्क दिया जाता है, लेकिन एक मास्क लगाने से, जो मेरा अनुभव है, अलग अलग बच्चों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी सोच प्रभावित होगी, सोचने की क्षमता प्रभावित होगी। कोई बच्चा कोविड के माहौल में 5.5 महीने से अपने घर पर है, सोचिए, और वो कभी मास्क लगाया नहीं क्योंकि उसको बाहर लगभग नहीं निकलने की जरूरत पड़ी, अचानक बेचारा मास्क लगा लेगा, सेंटर पर प्रोवाइड होगा, तो दिक्कत तो होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए, और सरकार को और पेरेंट्स को, दोनों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा खुले माहौल में भी जीने का मौका दे, कुछ क्रिएटिव करने का मौका दे, कुछ सोचने का मौका दे। अगले साल हम लोग बैठ के तय करेगी सरकार, पेरेंट्स, टीचर, कि उन्हें प्रमोट किया जाए या क्या कुछ तरीका निकाला जाए, या एक साल कैसे उनका बचाया जाए, इस पर हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन जान बचाना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, एक बात ये की गई आनंद जी कि अगले साल अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है तो सीटें उतनी ही रहेंगी और छात्र दुगने हो जाएंगे, तो कॉम्पिटिशन डबल हो जाएगा, इस तर्क को आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा जो मानना है, मेरा अपना विचार है, हो सके मेरा निजी विचार हो, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगले साल मई में एग्जाम होना है, सपोज कि आप अप्रैल या मई में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको 2 महीना पहले ले लीजिए सेशन वाले को, और आप इसको 2 महीना आगे पीछे एग्जाम ले लीजिए, 3 महीना आगे पीछे एग्जाम ले लीजिए, या सेशन को 6 महीने आगे पीछे रखिए। कुछ ना कुछ तरकीब निकालना पड़ेगा, मिल बैठ कर रास्ता निकालने पड़ेगा, बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी रास्ता निकलता है, और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अमेरिका के कई स्कूल कॉलेज को मैं जान रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि एक साल के लिए पूरे तरह से ठप कर। हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, ये जरूरी है, काम भी होना चाहिए। इसलिए फाइनली मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है शिक्षा विभाग से कि बच्चों को पर ध्यान दें, और सोचे कि हमारे अपने बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेवारी है, इसलिए थोड़ा डेट बढ़ाने पर विचार करें, लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे
सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा जीवन सब चलेगा, रास्ता निकलेगा, बहुत समस्याओं का रास्ता निकला है, देश आजाद हुआ है, रास्ता निकलेगा। बिल्कुल आनंद जी, ये बताइए, आपको लगता है कि एकेडमिक ईयर बर्बाद ना चला जाए, इसके चक्कर में इम्तिहान की होड़ लगी हुई है, ये इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये डर एक बार मन से अगर निकाल भी दिया जाए तो क्या आप हल निकल सकता है, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं? एकदम निकल सकता है, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है, मैं एकदम नेचुरल और प्रैक्टिकल बात बता रहे, आज की बात बता रहे, अभी आज दिन की बात बता रहे, दोपहर की बात बता रहे, कुछ पेरेंट्स आ गए राजस्थान से अपने बच्चों को लेके की पढ़ाई। अच्छा। हमके भाई आप सोचिए मेरे दोस्त की, अभी कोविड में पूरा बंद है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं चल रहा है, सुपर 30 बंद है, यहाँ लोग एक साथ रह नहीं सकते, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, जरूरी चीजों के लिए निकल रहा है पढ़ाई की, तो पेरेंट्स भी बहुत दबाव बनाए हुए, तो मैं सरकार से ज्यादा रिक्वेस्ट पेरेंट्स को कहता हूँ, पढ़ाई है बात, आपके पास अनुभव है, आपने देखा है कि बच्चे तो बच्चे हैं, वो धैर्य जल्दी खोएंगे, पेशेंस लूज करेंगे, बट आपको समझाना चाहिए कि बेटा पहले जान पर ध्यान दो, घर पर मन लगा के पढ़ो, तुम्हारे माता पिता जिंदा है, अगर कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे, इसलिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर बच्चा सेंटर पर जाता है, हो सके इन्फेक्टेड हो जाए, बच्चा होगा और बच्चा पर उसको पता भी ना चले सिम्टम, और उसके पेरेंट्स इन्फेक्टेड हो जाए, खुदा ना खास्ते किसी की मौत हो जाए, कोई दुनिया से चल बसे, तो पूरा परिवार पर खतरा है, सिर्फ बच्चों पर नहीं। इसलिए फिर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सब मिलजुल कर सोचे और परीक्षा को स्थगित करें और फिर आराम से लेंगे परीक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये कौन मजबूर कर रहा है? माँ बाप तो एक बात हो गई, लेकिन सरकार को कौन मजबूर कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इम्तहान करवाएं? छात्रों का ये दावा है, हालांकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, कि एक शिक्षा लॉबी है जो चाहती है कि एग्जाम हो, छात्र आए और फीस ली जाए। अब आपका सुपर 30 है, वो इसके रिसीविंग एंड पे रहा है हमेशा, हमने वो फिल्म भी देखी, आपके जीवन का संघर्ष भी हम सब जानते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि क्या किसी दबाव के चलते ये हो रहा है? हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं हो किसी बात की, हम नहीं बोल सकते हैं। बट हम सबको कहेंगे कि चाहे आप प्राइवेट संस्थान चलाते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, बच्चों पर ध्यान दीजिए, धैर्य बनाइए और अगला साल आप करिए काम, सब जो भी करना है करिए, एक साल रुक जाइए। सरकार भी दावा कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, डॉक्टर्स भी प्रयास कर रहे हैं, वैक्सीन इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती दौर से शुरू हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएगी। वक्त कितना भी बुरा हो, जब बीत जाता है तो सब अच्छा हो जाता है, लेकिन उस बुरे वक्त में कम से कम तबाही हो, कम से कम बर्बादी हो, इसका ख्याल हम लोग को रखना चाहिए। बिल्कुल, सुपर 30 देश विदेश में बहुत मशहूर है, आपके संघर्ष और तजुर्बे की सबने बात की है। जाते जाते आनंद जी, आपका संदेश छात्रों के लिए बहुत मायने रखेगा, मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसा इंटरव्यू था जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। आप छात्रों को, आनंद कुमार जी, जेईई और नीट के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे एनडीटीवी के माध्यम से? बहुत अच्छा, एनडीटीवी के माध्यम से बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि आप घबराए नहीं, आप ही लोग तो बच्चे हैं, कि जब भी मैं सेमिनार में जाता था, एनडीटीवी पर आता था, तो आप लोग क्या बोलते थे कि सर पढ़ने का समय नहीं मिलता है, कि क्यों, तो दिन में कॉलेज जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ, शाम को कोचिंग और ट्यूशन में व्यस्त रहता हूँ, अपनी पढ़ाई कब करूँ, प्रेमचंद की कहानियां कब पढ़ू, शेक्सपियर की कहानियों को कब पढ़ू, क्रिएटिविटी ही समाप्त होगी। अरे यार, इसको आप ले अपने जीवन के एक सौभाग्य के तौर पर, तबाही हुई है हमारे जो प्रवासी मजदूरों को, काफी तकलीफ हुई है, लेकिन आप तो कम से कम अच्छे तौर पर ले कि एक मौका मिला है आपको, अपॉर्चुनिटी मिला है कुछ पॉजिटिव करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ लिखने का, पढ़ने का, उसको देखें आपके भीतर क्या छिपा हुआ, उसको निकालने का प्रयास करें, रिविजन करें, पुरानी चीजों को पढ़े और अपने आप को समृद्ध बनाए, ना कि आप परीक्षा परीक्षा करके हड़बड़ा के अपने पेरेंट्स पर दबाव बनाए, गवर्नमेंट पर दबाव बनाए और परीक्षा में जाके कहीं बीमार ना हो जाए। मैं एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं, किसी एक साल के इम्तहान से जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी हर पल इम्तहान लेती है और बहुत लंबे समय लेती है, इस बात को ख्याल रख के थोड़ा धैर्य बनाए।
बहुत बढ़िया आनंद कुमार जी, ये शब्द सारे छात्र सुन रहे होंगे। ये जो लास्ट की आपने बात बोली वो हर किसी को याद रखनी चाहिए, हर चाहे वो जेईई नीट का इम्तिहान दे भी रहे हों या ना दे रहे हों, कि एक इम्तिहान से कुछ नहीं होता, क्योंकि जीवन हर समय आपका इम्तिहान ले रही है।